दोस्तों इन दिनों प्रभास की आने वाली फिल्मों पर यहाँ पर काफी ज्यादा मुसीबत आती दिख रही है। और उसमें जहाँ हाल ही में प्रभास की फिल्म आदिपुरुष के सेट में यहाँ पर हमें काफी खतरनाक आग लगती दिखी, और वहीं जैसे दूसरी तरफ जानने को मिल रहा है कि यहाँ पर प्रभास की फिल्म सलार की शूटिंग के बीच भी यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। साथ ही दोस्तों इसके यहाँ जानने को मिल रहा है कि प्रभास की फिल्म सलार पर यहाँ पर नक्सलियों का भी साया पड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ प्रभास की फिल्म सलार जिसकी शूटिंग यहाँ पर कोयला माइन में की जा रही है, और उसमें जहाँ एक तरफ गोदावरी खानी कोयला माइन के आसपास यहाँ पर फिल्म को शूट किया जा रहा है, और जैसे कि यहाँ न्यूज पोर्टल्स के जरिए जानने को मिल रहा है कि यहाँ पर इस कोयला माइंस के आसपास यहाँ पर नक्सलियों का काफी ज्यादा दबदबा रहता है, और साथ ही इसी कारण से प्रभास की फिल्म सलार पर भी अच्छा खासा खतरा है। और जैसे कि इसी कारण से सलार की शूटिंग काफी ज्यादा सुरक्षा के बीच की जा रही है, और यहाँ पर लगभग 40 पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं। तो जैसे कि जहाँ एक तरफ प्रशांत नील जो कि रियल लोकेशन पर ही यहाँ पर अपनी फिल्म सलार को शूट करना चाहते थे, और यहाँ इसी कारण से गोदावरी खानी कोयला माइन में यहाँ पर प्रभास सलार की शूटिंग कर रहे है, लेकिन जैसे कि ये इलाका उतना ज्यादा सुरक्षित नहीं है, और यहाँ इसी कारण से यहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी के बीच प्रभास अपनी इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।